नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज़ चंडीगढ़। अभी अभी ताज़ा खबर ये आ रही है कि भाजपा ने हरियाणा में विधानसभा में अपने 78 महारथी उतार दिए हैं, तो हमने सोचा क्यों न उन महारथियों के बारे में बात कर ली जाए। देखना ये है कि इन महारथियों की राह कितनी आसान होगी और कितनी मुश्किल, तो आइए उनके बारे में जरा बात की जाए। सबसे पहले संदीप सिंह की। साल 1986 में जन्मे संदीप सिंह ने अपना जौहर हॉकी के मैदान में तो दिखाया ही है, अब भाजपा ने उन्हें विधानसभा चुनावी मैदान में उतार कर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। चलिए आपको बता दें कि संदीप सिंह को पेहवा से उम्मीदवार चुना है भाजपा पार्टी ने। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार चुनावों में भाजपा इस सीट से हारी थी, लेकिन अब संदीप सिंह पर भाजपा पार्टी दांव खेल रही है। संदीप सिंह एक मैदानी हॉकी खिलाड़ी और भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान हैं। भारतीय हॉकी के ड्रैग फ्लिकर संदीप को पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ रूप में जाना जाता है। हॉकी में विशेष उपलब्धियों के बाद भारत सरकार ने संदीप को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। चलिए अब बात करते हैं बबीता फोगाट की। हरियाणा के भिवानी जिले में रहने वाली 29 वर्षीय भारतीय महिला पहलवान है। स्कॉटलैंड में ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में भारतीय महिला पहलवान बबीता कुमारी ने कनाडा की पहलवान को हराकर कुश्ती जीती थी। अब बारी है चुनावी मैदान की। बबीता फोगाट को हरियाणा के चरखी दादरी से भाजपा पार्टी ने उम्मीदवार चुना है। आपको बता दें कि भाजपा पिछली बार भी इस सीट से हारी थी। और अब बारी है तीसरे खिलाड़ी की। भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में कांस्य पदक और कनाडा में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले योगेश्वर दत्त को अब राजनीतिक के दंगल में भाजपा पार्टी ने रोहतक जिला के हल्का बरोदा से उतारा है। आपको बता दें पिछली बार भाजपा इस सीट से भी हारी थी। अब साफ ही हो गया है कि भाजपा ने इन तीन खिलाड़ियों पर उन सीटों से दांव खेला है जो सीटें भाजपा के पाले में पिछली बार नहीं आई थी, यानी कि भाजपा को इन स्टार खिलाड़ियों के नाम का फायदा इन सीटों पर मिल सकता है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।